पॉलीगमी। तो पॉलीगमी के अंदर आप देखोगे सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है पॉलीगमी प्रैक्टिस करने वाले। आप ये देखिए रिपोर्ट 1961 की, मुस्लिम्स 5.7% थे जो पॉलीगमी यानी एक से ज्यादा शादी यानी जिनकी एक से ज्यादा बीवियां हो, ऐसे मुस्लिम 5.7% थे। हिंदूज में 5.8% था तब भी, और आदिवासी में देखिए 15% यानी 100 में से 15.25% 1961 के अंदर वो थे जो पॉलीगमी प्रैक्टिस करते थे। 74 में आते हो तो आप देखो कि इसके अंदर चीजें सिचुएशन चेंज हुई। हाँ, 74 के अंदर 2006 की रिपोर्ट देखते हैं, हिंदूज के अंदर 1.77% था, मुस्लिम्स में 2.55, लेकिन बुद्धिस्ट में आप देख रहे हो कि 3.2% ये मिल रहा था 2006 की रिपोर्ट में। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि हिंदूज के अंदर जो मिसाल के तौर पे गोवा के लॉ के तहत जो कोड्स ऑफ यूसेज एंड कस्टम्स ऑफ जेंटाइल हिंदूज ऑफ गोवा के तहत उनको अलाउ किया गया कि एक हिंदू शख्स भी एक से ज्यादा शादी कर सकता है, वहां पे एक अलग लॉ चल रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये चीज मिल रही है। तो ये खाली मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं, सबसे पहले मैंने ये क्लियर किया। अब अगर एक से ज्यादा शादी का टॉपिक देखते हो तो आप देख सकते हो कि मैं एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग जरा इस बारे में सोचिए कि विडोज यानी कि बेवाएं जिनके शौहर का इंतकाल हो गया, विधवाएं इंडिया के ना कुल कितनी है, 4,32,00,000, डिवोर्सीज कितनी है, 90,00,000, सॉरी डिवोर्सीज कितनी है औरतों में, 9,00,000, हाँ, और सेपरेटेड कितनी है, 23,00,000। तो टोटल फिगर ऐड करेंगे तो 4,65,00,000 होता है। लेकिन इसके साथ में एक और फिगर हम ऐड करते हैं कि ऐसी लड़कियां जो कुंवारी हैं लेकिन 30 साल तक उनकी उम्र हो गई और 30 एंड अबव वाली 56,00,000 लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब वो फिगर और बढ़ गया होगा, यानी कि 5,21,00,000 बेवाएं मुतल्लकाएं यानी कि विडोज डिवोर्सीज और 30 या उससे ऊपर वाली कुंवारी लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हुई, 5,21,00,000। अब आप बताओ कि ये सब का प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है अगर एक से ज्यादा शादी हो। हाँ, एक से ज्यादा शादी हो, और अगर आप देखो कि डिजर्टेड औरतें कि जिन्हें छोड़ दिया है उनके हस्बैंड्स ने, तो क्या वजह होती है, ये सब क्या है मामला, ये भी एक बहुत कंसिडरिंग बात है जो देखना चाहिए। अब आइए सेकेंड चीज, और इसके अंदर मैं बता दूं वो 5,21,00,000 में से जो सबसे सीवियर प्रॉब्लम है वो है 1,15,00,000 का, क्योंकि ये जो है इनकी उम्र कम भी है और ये जो है इनका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है अगर एक से ज्यादा शादी का सिस्टम अलाउड जैसे एक सर्टेन लेवल पे चल रहा है इंडिया में वो उस तरह से चले जिस तरह से आदिवासी प्रैक्टिस करते आए हैं, जिस तरह से दूसरे रिलीजन्स अदर रिलीजन्स वाले परसुएशंस वाले अदर रिलीजन परसुएशंस वाले जो करते आए हैं या गोवा कोड के तहत या मुस्लिम जिस तरह से करते आए, तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। आगे हम दिख रहे हैं कि एक नेचुरल सोल्यूशन है डाउरी का, क्योंकि जब डिमांड बढ़ता है किसी चीज का तो फिर उसका प्राइस बढ़ता है। और आज इंडिया के अंदर जो डाउरी डेथ्स होती है इतनी सारी, जो दहेज के जरिए मौत होती है 24,771 रिपोर्टेड डाउरी डेथ्स, जो नहीं रिपोर्ट हुई वो तो अलग है, और कितने सारे केसेस होते हैं डाउरी के, 3,48,000 केसेस जो फाइल हुए हाँ एक साल के अंदर, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कि ये चीज बढ़कर कहां जाती है जब दहेज का सिस्टम चलता है, तो एक और प्रॉब्लम उससे कनेक्ट होता है फीमेल फीटिसाइड का। हमारे पास इंडिया में 1,000 मर्दों के लिए 943 फीमेल्स हैं, तो यानी ये क्या चीज से पता चला कि इतनी सारी जो लड़कियों की का कत्ल हुआ, हाँ, तो 3.5 करोड़ औरतें मिसिंग थी, उनका क्यों कत्ल हुआ, वजहों में से एक बड़ी वजह यह है कि फादर पे सर पे टेंशन होता है कि बच्ची का दहेज देना होगा, दहेज कैसे दूंगा, तो बच्ची पैदा करने में उन्हें प्रॉब्लम होता है और वो बच्ची को पैदा ही नहीं होने देते। तो अब ये देखोगे प्रॉब्लम का नेचुरल सोल्यूशन कैसे, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आपको पता है, एक मिसाल दे रहा हूं, सऊदी अरेबिया के अंदर एक एवरेज मेहर एक आदमी को जो देना होता है मेहर, इस्लाम ने क्या है कि इस्लाम में दहेज नहीं मिलता है लड़के को, उल्टा लड़के को देना पड़ता है, उसे मेहर कहते हैं। तो सऊदी अरेबिया की बात है कि 10,00,000 से लेकर 30,00,000 तक की रकम देना पड़ता है, वहां का एवरेज ये है, ये रिपोर्ट मैंने आपको दिया है। तो इस्लामिक मैरिज सिस्टम के अंदर मेहर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, इसी वजह से वहां के जो स्कॉलर्स वगैरह आवाम को कहते हैं इतना मेहर मत मांगो, कम मांगो, इजी करो, ऐसा मत करो, इतना मत मांगो, उल्टा यहां पे तो हम लोगों को दहेज मत मांगो, दहेज मत दो, हाँ दहेज मत दो, दहेज मत मांगो, ये चीज कहना पड़ता है। लेकिन वहां पर वो कहते हैं मेहर मत मांगो इतना, यानी लड़की को बोलते हैं इतना मेहर मत मांगो, इतना मत मांगो, आपको चेंज करना है सिचुएशन, तो पॉलीगमी उल्टा सोल्यूशन है। देखिए ओपन माइंड से देखिए, और फिर क्या होता है कि आप पॉलीगमी का रास्ता बंद करो, फिर क्या रास्ता ओपन होता है, इलीगल रिलेशंस, लिव इन रिलेशंस आज इंडिया में एक्सेप्टेबल है। आप देखो ये रिपोर्ट, और आप देख सकते हो कि लिव इन रिलेशंस जब होते हैं यानी बगैर शादी के रिलेशंस होते हैं, अमेरिका में 40% बच्चे शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं, फ्रांस में तो 57% बच्चे शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं। अब ऐसे बच्चों का क्या होता है,
ऐसे बच्चों के तालुक से देखा गया उनका स्कूल में परफॉर्मेंस खराब होता है, उनको फादर की तरफ से फादर की सिक्योरिटी कोई नहीं होती, माँ को उल्टा बाप और माँ दोनों का रोल प्ले करना पड़ता है, ऐसे बच्चे कई सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरते हैं। आप देखोगे सिंगल मदर्स में ऐसी 84% जो सिंगल बच्चे पैदा बढ़ रहे हैं तो सिंगल माएं बड़ा कर रही है, और ऐसी माओं में के पास तकरीबन अमेरिका के 2.25 करोड़ बच्चे पैदा बड़े हो रहे हैं। अब कोई कहे अमेरिका की बात आप क्यों कर रहे हो, तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वही मॉडल पर हम लोग यहाँ वाले इंडिया वाले आज जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये ट्रेन का लास्ट डेस्टिनेशन किस तरफ जा रहा है। अब वहां देख लो 2.25 करोड़ बच्चे सिर्फ माए बड़ा कर रही है, और फिर क्या होता है, ये सेंसस की रिपोर्ट से बता रहा हूं, खुद की तरफ से कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट है census.gov, उसमें जाके देखिए अमेरिकन गवर्नमेंट। और ऐसी माएं जो माँ और बाप दोनों का रोल प्ले करती है, 28% केसेस के अंदर ऐसी माओं को सिवियर मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, सिवियर मेंटल डिसेबिलिटी, और कई बार 26% केसेस में वो प्रेगनेंसीज को अबॉर्शन भी करा देती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एसटीडी बढ़ते हैं अलग माशरे के अंदर, जब ऑपर्चुनिटी बढ़ती है एसटीडी अलग बढ़ता है। मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रास्ता जो है ना उस तरफ जाता है, जब आप जायज को बंद कर दोगे, आप भी वेस्टर्न वर्ल्ड से 100% ब्लाइंड फॉलोअर बनकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, सब चीज बैन कर दो, तो फिर क्या होता है, जब आप उस चीज को बैन कर दो जो उनका फेल्ड सिस्टम है, वो हम अगर इंडिया में लाए जहां वो नाकाम हो चुके हैं, आज इंडिया में हमारे पास ऐसे नाकामी नहीं है, तो अगर हम वो चीज को लाएं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या है कि हम भी फिर उनके फेल्ड सिस्टम पे जा रहे हैं।